सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 15,000 अस्थायी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार भी रखा है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। यहां आपको ये भी बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ गए हमारे साथ। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो टीचर्स है उनके हक में सुनाया है, ये पूरा मामला क्या था और क्या कुछ आज अपने फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा है इस पर? देखिए रितिका, पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इतनी बड़ी बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया हो। इस फैसले से 15,000 उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, ये जो अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे और हाई कोर्ट ने हक में फैसला दिया था, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चली आई थी सुप्रीम कोर्ट, जिस पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए और सरकार को आदेश दिया है कि इन सभी शिक्षकों की बहाली करें। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो राज्य सरकार है उसने जो 10 अस्थायी के तौर पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे उन शिक्षकों को नियुक्ति कर दी थी, लेकिन जो 7 साल से जो काम कर रहे थे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो गोपाल, कहीं ना कहीं इस समय खास तौर पर बड़ी राहत यहाँ सभी शिक्षकों को मिली है जो कि यहाँ पर पीटीए या फिर पैट के उसके अंतर्गत काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनके हक में फैसला आएगा और राज्य सरकार की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अगर इनको सही जो स्थायी तौर पर है इन्हें नियमित करने का आदेश दे दिया जाता है तो सरकार के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा, खास करके आर्थिक तौर पर, और इनकी सरकार चाहती थी कि इनकी जो नियुक्ति हो परीक्षा के माध्यम से जरिए हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का जो फैसला है वह सही है, हाई कोर्ट ने जो मापदंड तय किए थे और जो नियुक्ति के आदेश दिए थे वो फैसला सही है, इसलिए राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया जाता है। जी गोपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।